तो दोस्तों फाइनली एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मीट के बारे में। जब भी आप गूगल मीट से स्क्रीन शेयर करते हो या कोई वीडियो फाइल शेयर करते हो तो क्या होता है कि केवल सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है वही शेयर होता है, उसके साथ साथ ऑडियो जो होता है वो शेयर नहीं होता है। इससे सामने वाले को समझ नहीं आता है कि वीडियो में चल क्या रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं और आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप कैसे वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी शेयर कर सकते हो। बिल्कुल ही नया ट्रिक है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। तो अगर आपको जानना है कि कैसे करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कंप्यूटर पे आ चुके हैं और यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। ज़्यादा समझदारी नहीं दिखानी है आपको कि सीधा लास्ट में चले गए और पता कर लिया, नहीं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है या आपके पास जो भी ब्राउज़र ओपन करना है। और यहाँ मैंने क्रोम ओपन कर रखा है तो डायरेक्ट मीट पे जाना है। मीट पे जाने के बाद न्यू मीटिंग स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में ताकि मैं आपको प्रूफ दिखा पाऊँ। तो यहाँ मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ और मोबाइल में ओपन करूँगा मैं। तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने के ना बहुत से तरीके हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले यूट्यूब खोल लेते हैं एक बार ताकि मैं डिटेल में बता पाऊँ आपको। यहाँ पर आ गए, ये मैंने अपना वीडियो ओपन कर लिया है, अब इसको बंद कर देते हैं। मीट पे स्क्रीन शेयर करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप तो तीन ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं, बेस्ट फॉर वीडियो एंड एनिमेशन, इस पर क्लिक करते हैं। तो केवल क्या है कि क्रोम का ही कोई भी आप विंडो शेयर कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जो पर्टिकुलर विंडो है या टैब है ओनली गूगल क्रोम का ही शेयर करेगा। और यहाँ पर मैं कुछ भी काम करूँगा तो दूसरा चीज शेयर नहीं करेगा जो भी देख सकता हूँ। तो इसको बंद कर दें, इसको फुल स्क्रीन में ले आते हैं और यहाँ से मैं जब चालू करूँगा तो यहाँ पर भी आवाज आता है जो कि आप लोग सुन सकते हो अगर सुन समझे। अब अपने मेन टॉपिक का थे, ये तो हो गया यूट्यूब से। अगर यूट्यूब से या गूगल क्रोम पे कोई भी टैब हम चलाते हैं उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि मुझे कोई वीडियो चलाना है, यहाँ से कोई मैं वीडियो चलाना चाहता हूँ अपना, मैंने यूट्यूब के लिए जो क्रिएट कर रखा है जैसे ये है। क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद वो वीडियो सेलेक्ट करना है जो आपको शेयर करना है। यहाँ पे आ गए, नया टैब पहले से ओपन कर रखना और यहाँ पर मूव पे क्लिक करना है। मूव पे क्लिक करने के बाद उसको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद ये वीडियो देख लीजिए आप चल रहा है, ठीक सही है। लेकिन इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से आना है उस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस वाले पे क्लिक करना है सबसे लास्ट वाले पे। और यहाँ से आप लोग विंडोज 11 अपडेट जो कि ये वाला टैब है उस पर क्लिक करेंगे और शेयर पर क्लिक कर देंगे। शेयर पर जैसे ही क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ से चलाऊंगा तो यहाँ भी आवाज जो है आ रहा है जो कि आप लोग सुन सकते हो यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि गूगल मीट पे आप कैसे वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी शेयर कर सकते हो, चाहे वो वीडियो आपके सिस्टम में पड़ा हो, चाहे वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हो, चाहे वो ड्राइव पे पड़ा हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स का शो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो या हॉटस्टार का शो है, कोई सा भी शो हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको सिंपल सा तरीका पता है क्या करना है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में बस नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती है। साथ में अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए आने वाले वीडियो की और सबसे पहले देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबाओ। तब तक लिए बाय बाय।